भाई यहाँ पे इतनी सारी। ये भी मेरी ड्रीम बाइक एक टाइम पे, अगर इसको ले लेते ना भाई तो मतलब दिल ही खुश हो जाता यार। Hey guys, welcome back to my channel. Again, welcome back to a new fresh vlog. अभी देखो सुबह हो रही है, सुबह के बज रहे 6:18 और हम निकल रहे हैं छोटी सी राइड पे। वैसे तो 6:15 हो रहे हैं बट आसमान में सिर्फ हल्का हल्का पिंकिश सा टेंट आया, अभी बिल्कुल भी सूरज नहीं उगा है और हम निकल रहे हैं राइड पे। भाई सुबह सुबह उठ के निकल चुके हैं संडे राइड पे, भाई कॉफ़ी टाइम बाद संडे को राइड हो रही है हमारी N160 पे। अभी थोड़ा अंधेरा है, नज़ारे उतने नहीं दिखेंगे बट हम बढ़ रहे हैं हमारे मीटिंग पॉइंट की ओर। फिलहाल तो अभी आगे हमें मिलेंगे प्रबल भैया, तो प्रबल भैया से पहले मिलते हैं और देखते हैं। आज जब से सर्विस हुई है ना N160 में इंजन लाइट नहीं आई है भाई, मतलब आप समझ सकते हो मैं कितना खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में कि N160 में इंजन लाइट नहीं आ रही यार सर्विस के बाद। तो देखते हैं अभी आती है सर्विस लाइट, मतलब इंजन लाइट या नहीं आती है। नींद में हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, उठ जाता हूँ पहले ना। तो लेफ्ट यहाँ से आप जाओगे तो हो जाओगे बाईपास रोड पे और राइट जाओगे तो ये सीधा निकलेगा आपका मानपुर मुंबई वाला हाईवे जो कि हम ले रहे हैं। यहाँ से राइट लेके ये सीधा वाला हाईवे, अगर हम सीधे सीधे निकल जाएंगे तो हम घुस जाएंगे रऊ की ओर जहाँ हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। पूरे इंदौर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन से याद आया प्रबल भैया ने हमें ज्वाइन कर लिया है और आज काफ़ी टाइम के बाद एक प्लेट की रोरिंग साउंड सुनने मिल रही है भाई। तो हर जगह पैच वर्क और पता है मेरे टिंटेड वाइज़र होने की वजह से मेरे को वाइज़र खोल के चलाना पड़ रहा है और आँखों में पूरी ना धूल भर चुकी है, विच इज़ नॉट सो गुड बट इट्स ऑल्सो फील्स गुड क्योंकि आप इतने टाइम बाद राइड कर रहे हो ना, तो वो हवा वो धूल वो सब एक नॉस्टैल्जिया दे रही है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। और ये एग्जॉस्ट नोट, मैं अपनी बाइक की एग्जॉस्ट की तारीफ ऑलमोस्ट हर व्लॉग में करता हूँ बट जब ये बाइक आती है ना तो मैं चुप हो जाता हूँ। आई मिस दिस हाईवे बट अभी हम लोग जा रहे हैं जाम गेट। शायद मैंने आपको अपनी डेस्टिनेशन नहीं बताई, शॉर्ट सी राइड है, मतलब शॉर्ट नहीं कह सकते, टोटल 100 किलोमीटर की राइड है और अभी हम जा रहे हैं जाम गेट की ओर। जाम गेट का नज़ारे काफ़ी प्यारे दिखते हैं। मैंने अभी तक आपको बाइकों से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, पीछे चल रही है हीरो एक्सट्रीम 200, सामने चल रही है हस्क्वर्ना और एक प्लेट से तो आप मिल ही चुके हो, बाकी साथ में है हमारे एक जिक्सर और एक है R15V3 माई फेवरेट R15 भाई, वन ऑफ माई ड्रीम बाइक थी एक समय पर बट ये जब से V4 आई ना मेरा मूड ख़राब हो गया। लोग उसका कंपटीशन करते हैं NS200, Apache 200, Duke 200, ये सबसे उसका कंपटीशन करते हैं बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना भाई वो गाड़ी अपने में ही लेजेंड है। RS, NS, RC वो 150 cc की गाड़ी सबको हरा के लास्ट में निकल जाती है ड्यू टू इट्स वीजे टेक्नोलॉजी एंड टॉप स्पीड। बाकी सुबह का वक्त है, हल्का हल्का सा मिस्ट सा है, आई डोंट नो मिस्ट है या हल्की हल्की फ्यूम्स है, जो भी है अच्छी लग रही है, आज सब अच्छा है भाई। राइड में निकल चुके हैं, पावरफुल है, एनर्जीफुल है, लेट्स रोल। एक्चुअली अभी हम लोग ऐसी जगह पे इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि जो मेन रास्ता था जो जाम गेट को जाता था, जो मऊ को मतलब काइंड ऑफ बाईपास करता था कह सकते हैं बट वो ना बंद हो रखा है, उसको पूरा खोद के रखा है भाई और हम ना भटक गए थोड़ा सा, हम अपने ही घर के पास भटक जाते हैं ना, लेकिन ये भी एक अलग एडवेंचर है। ये देखो साइकिल में चार्जिंग स्टेज लगा रखे हैं भाई, कहीं जा रहे हैं लोग, कहाँ जा रहे हो पाजी, कहीं तो जा ही रहे होंगे। अब क्या साइकिल में नंबर भी नहीं देख सकते ना कि कहाँ की साइकिल है, बाइक में क्या नंबर देख सकते हो आप, कार में भी नंबर देख सकते हो, साइकिल ही चाहिए देखो, साइडल लगाए मतलब दूर से आ रही है भाई। आ गए भाई हम वापस से, शायद जाम गेट पहुंच गए तो आप समझ जाना हम सही रास्ते पे आ गए थे, वरना हम गलत रास्ते में कहीं और पहुंच जाएंगे, मैं झूठ बोल दूंगा। तो हम यहाँ पे रुके थे क्योंकि यहाँ पे एक ब्यूटी ने हमें ज्वाइन किया जिसको सबने घेर लिया है, वो खड़ी है, आप कलर से बताओ कौन सी गाड़ी है, बाकी गेस तो कर ही लिया होगा। ये है भाई बेनेली 600i भाई, एक प्लेट का कॉम्पिटिशन आ गया भाई। ये
साउंड कानों को इतना सुकून तो देता है, आई डोंट नो, मज़ा सा आ जाता है यार ये सुन के। हाय हाय हाय, जीवन में एक इनलाइन फोर की आवाज़ हो ना तो दिन बन जाता है यार। भाई गोली की रफ्तार से निकल रहे हैं भाई, जब से बेनेली ने हमें ज्वाइन किया ना भाई, सबकी स्पीड 10-10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई है। हाय, तो यहाँ पे रुके तो नाश्ता करने के लिए, सब खोए हुए खा रहे हैं यहाँ पे हम बेहतरीन। और इस बेनेली से ना हमने डीबी किलर भी निकाल दिया तो बहुत मस्त साउंड आएगी भाई। ये शुरू हो गया हमारा बीस्ट, क्या ही आवाज करता है भाई ये। अब इस पर रास्ते पर आपको आवाज सुनेंगे। ओहो कोई आ रहा है भाई, कोई आ रहा है। ओए होए, क्या ही रोड हो रहे हैं यार, क्रेजी। आज न जाने कितने महीनों बाद मैंने 100 भगाई है अपनी बाइक, और पता भी नहीं चल रहा है इतनी स्पीड में हम चल रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा भाई। अरे संडे को सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि इतने सारे लोग सुबह उठ के अपनी बाइक स्टार्ट करके अपनी बाइक को मस्त साफ सुथरी करके सुबह सुबह निकल जाते हैं मस्त अपने दोस्तों के साथ राइड पे। बुक कर दिया रहे हो ना साइज को मेरी बाइक में, गलत बात है, वो हाफ टोटल दे रहा था, मैं फुल टोटल दे रहा था, बट बुक कर दिया, इम्पोर्टेंट वो है। अब मैं बेनेली के पीछे चुपचाप गाड़ी लगा लेता हूँ और मैं इसकी आवाज़ सुनता हूँ। ये तो वीडियो मारने को तैयार है। बेनेली कहाँ रह गई? बेनेली लगता है पीछे छूट गई। N160 से बेनेली को हरा दिया है भाई। सच तो यही है भाई, N160 में मैंने कल ही 3 सिलेंडर एक्स्ट्रा डलवाए थे, वो मैं कैमरा बंद करके आगे निकल जाता हूँ ताकि फिर वो क्या है ना, कुछ लोग फिर टेटर पर अटैक कर देते हैं। बाकी सच सही है कि मेरी बाइक में भी 4 सिलेंडर लगे हुए हैं, N1000 है ना ये, और सर 1000। ओ डर गया मैं तो, सॉरी भगवान, कोई N1000 नहीं है, कोई N1000 नहीं, जिक्सर 1000 नहीं, वही है भाई। मजाक कर रहा था, मजाक। वो अंकल की बलिनो ख़राब हो गई, देखो सब टाटा को बोलते हो, मारुति भी ख़राब होती है। फाइनली वी आर हियर। गोप्रो में इतने अच्छे से दिखता नहीं है बट मैं आपको दिखाएगा। ओ क्या देख लिया मैंने सुबह, ZX10R, समझ रहे हो, ZX10R देख ली भाई मैंने तो सुबह। तो ये हमारा लाइनअप, यहाँ पे इतनी सारी बाइकें हो गई टोटल। अभी एक स्पेशल बाइक भी आ रही है, क्यों प्रवल भी, अभी एक स्पेशल बाइक आ रही है ना, काफी मस्त भाई, उसमें ना 3 मोड भी है, मजा आ जाएगा आपको दिखाएंगे 3 मोड। 6 सिलेंडर का V8 इंजन लगा रखा है उसमें। चांगगेट का भी हवा काफी तेज चल रही है, आई डोंट नो आवाज कैसी आ रही होगी, बट यहाँ पे सब खाने पीने का ऑर्डर दे दिया है, जो भी बन रहा है पता नहीं, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा क्या खाया। चलो पंकज भैया इंस्टा चला के दिखाओ। गिव अवे कर दो बेनेली, दे दो चाबी, दे दो वो भाई। कुछ भाइयों को फोटो लेना था वहाँ पे बेनेली के साथ, तो जा रहे हैं आशु भैया फोटो दिलवाने के लिए। ये गए हिमालयन वाले भैया, ऑफ रोडर से तो अलग ही प्यार है भाई। यहाँ पे इतनी सारी फ्लाई भाई, ये वो V8 टर्बो जिसकी बात कर रहे थे, ओला प्रैन भी आ गए। तू प्रैन भैया कॉल करने के बाद 1.5 घंटे इको मोड पे चला रहे थे भाई। बस ये गाड़ी कितना मजा आया ना, इसका वीडियो डाल रखा है मैंने चैनल पे, आप देख सकते हो। तो चलो आराम से बेच के ले लो, क्या क्या शानदार है यार, इधर इधर आ गए, खिलौना है ये ना, चलता फिर कर रहा है इसने। भाई ये थी मेरी ड्रीम बाइक एक टाइम पे,
अगर इसको ले लेते ना भाई तो मतलब दिल ही खुश हो जाता यार कसम से। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये बाइक मेरी सपनों की बाइक थी एक टाइम पे, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आई मतलब ले नहीं पाया मैं इसको। बट कोई नहीं भाई, इस पे यहीं से घुमा देते क्योंकि अपनी अमानत नहीं है ना। ओके भाई क्या फील है इसकी, क्या मज़ा है भाई इसको चलाने में। बहुत मस्त स्मूथ है, बहुत ज़्यादा, मेरी बाइक से भी स्मूथ है। हाँ ही भटक रहे थे और भटकते भटकते देखो कहाँ ही आ गए भाई। यहाँ पे बस जाम गेट के थोड़ा देर पहले ये यहाँ पे झील है और वो वहाँ पे फिशिंग भी होती है, दिख नहीं रहा होगा बट वो देखो मस्त यार। अब यहाँ से सीधा घर ही जाएंगे, वो हमारा अभिमान वहाँ पे खड़ा है, बेनेली वगैरह वहाँ पे ही खड़ी हैं, बाहर ही खड़ी हैं। हम इस वीडियो को गाइस अभी यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वापस जाएंगे, वापस जाते सेम रूट है तो आप भी बोर हो जाओगे। तो इस वीडियो को यहीं पे इस खूबसूरत व्यू के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना, और आपको भी बेनेली का साउंड अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।